ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਮਾਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇ बीजेपी के द्वारा आयोजित अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मुद्दे के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में 29 अक्टूबर 2019 को एक रेगुलेशन लेकर के यह सरकार आई, उसके बाद में पार्लियामेंट से एक्ट उसका पास करा गया और अपने पीठ थपथपाने की एक्सरसाइज एक तरीके से यह सरकार कर रही। सुभाष जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर पूर्व शहरी विकास मंत्री होने के नाते मुझे यहां पर निमंत्रित किया है। मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूं, मैंने आप लोगों को 98 पेजेस का ये स्पाइरल बाइंड किया हुआ नोट भेजा है, इसको आप सब लोग संभाल करके रख लें, ये आप लोगों के लिए हमेशा के लिए एक रेडी रखनर है। और इसके साथ 7 पेजेस का मेरे 7 सवाल जो नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों से हैं वो इसके साथ में मैंने करा। इसके अंदर आप लोगों से कहूँगा, अगर आप लोग अभी और बाद में विस्तार से देखेंगे कि पेज नंबर 16, 18 और 33 ये मेरे साइन किए हुए वो फाइल की नोटिंग्स हैं जिसके माध्यम से 2008 का नोटिफिकेशन रेगुलेशंस का, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की रेगुलाइजेशन का नोटिफिकेशन किया गया और उसके अंदर मैंने बहुत विस्तार से ऑफिसर्स पहले ये चाहते ही नहीं थे कि ये रेगुलेशन के फॉर्म में आए, वो चाहते थे कि ये गाइडलाइंस या मोडेलिटीज़ के फॉर्म में आए। लिहाजा मैंने उस नोट में आर्ग्यू किया है कि क्यों यह कानूनी अमली जामा इसको पहनाया जाना चाहिए, तो लिहाजा पहली बार आज़ादी के बाद में अनऑथराइज कॉलोनीज का रेगुलेशन जो आया वो 2008 में आया है, जो मेरे साइन से जो नोट की कॉपी मैंने आपको दिया है, जिसको उसके बाद में 2008 के बाद में 2012 में और फिर उसके बाद 2015 में उसको अमेंड करके उसकी डेट कट ऑफ डेट को बढ़ाया गया और 2019 में नया रेगुलेशन अब लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहला नोटिफिकेशन 2008 के अंदर आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जो भी हम लोगों ने 2008 के नोटिफिकेशन में दिया ये 2019 की नोटिफिकेशन में इन्होंने वापस ले लिया। अब मैं आपसे आकर के आपके सामने 7 सवाल मैं रखना चाहता हूँ, मोदी जी से और केजरीवाल से दोनों से पूरा नोट है उसके अंदर, हमने कहा है कि वेयर द फिजिकल पोजेशन इज विद द गवर्नमेंट, इसको अंडरलाइन भी किया है मैंने बोल्ड करके। इसको जो 29 अक्टूबर को जो इन्होंने अपना रेगुलेशन जो बनाया है उसके अंदर उन्होंने वो भी मैंने नीचे वाले में बोल्ड करके अंडरलाइन किया है, उन्होंने कहा विद और विदाउट पोजेशन, यानी पहले गवर्नमेंट लैंड वही होती जो गांव सभा में जिसमें गवर्नमेंट ने फिजिकल पोजेशन गवर्नमेंट के पास में है, अब ऑटोमेटिक जब वेस्ट होने का सिस्टम है उसके अंदर, तो विद और विदाउट पोजेशन का मतलब 100% जो लैंड है जिसमें गवर्नमेंट जो 100% लैंड है हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज की, वो 100% की 100% लैंड अब गवर्नमेंट लैंड बन गई, कोई भी प्राइवेट लैंड नहीं। और हमने अपने रेगुलेशन में 2008 के रेगुलेशन में डाला था नो कन्वर्जन चार्ज और कंपाउंडिंग फी फॉर नॉन एफ्लुएंट कॉलोनीज ऑन लैंड आइडेंटिफाइड एज प्राइवेट लैंड बाय द GNCTD शैल बी लेविड, मतलब 90% लैंड जो हमारे हिसाब से प्राइवेट लैंड होनी थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती।
और फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड वो होती, उसमें सरकार को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी। अब 100% गवर्नमेंट लैंड है जिसमें डबल चार्ज, ये लास्ट में मैंने कैलकुलेशन बताए हैं कि 100 स्क्वायर मीटर में कितना देना पड़ेगा, वो भी देख करके आप हैरान हो जाएंगे। चौथा मेरा प्रश्न है कि रजिस्ट्री की जरूरत क्या है? अभी भी तो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज 1977 में जो रेगुलराइज हुई थी वो उसमें रजिस्ट्री हो रही थी। मैंने इसके अंदर आप लोगों के पेज नंबर 75 में नोटिफिकेशन लगाया है, एलजी के ऑर्डर्स हैं 11 जून 2013 के कि प्राइवेट लैंड की रजिस्ट्री जो है सबके सब खुल गई है। तो रजिस्ट्री की जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से खोल सकती है, सेल डीड रजिस्ट्रेशन से हो सकती है, तो फिर ये ड्रामा किस बात का? इसकी कोई जरूरत किसी भी किस्म से नहीं थी। इससे पहले भी दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन होती रही। ये 2010 के कोर्ट के ऑर्डर्स की बात करते हैं, 2013 में तो एलजी ने दिल्ली के अंदर जो है प्राइवेट लैंड के ऊपर रजिस्ट्री खोल दी थी, तो अब उसके बाद में करने की क्या जरूरत थी? तो जब अभी भी रजिस्ट्री हो रही है सेल डीड की, तो इसमें कोई जरूरत नहीं थी। पांचवा जो है जोन ओ, इन्होंने 7A के अंदर डाल दिया है, जोन ओ प्रोहिबिटेड लैंड में। जोन ओ के अंदर हम लोगों ने 2013 के अंदर 28 सितंबर में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल करके 3109 हेक्टेयर जमीन जोन ओ से बाहर निकाल दी थी। और उसका क्राइटेरिया सीधे सीधे ये था कि जो 300 मीटर यमुना के बीच से इधर उधर इधर साइड पे होगा वो इसके अंदर आएगा, जोन ओ में आएगा, जो उससे बाहर होगा वो नहीं रहेगा। और उसकी वजह 300 मीटर का क्राइटेरिया हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से हम लोगों ने सेटल किया था। मैंने इसके अंदर आप लोगों को उसका पूरी की पूरी लिस्ट दी है, और इसके अंदर आईपी पावर स्टेशन, मिलेनियम बस डिपो, सोनिया विहार एरिया, शास्त्री पार्क, डीएमआरसी लैंड, बाटला हाउस, जैतपुर, मीठापुर, ओखला, जगतपुर, ये सारी की सारी लैंड, ये सबके सब जब हम लोगों ने उस टाइम के ऊपर नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल करके हम लोगों ने इसका पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर दी। मैंने इसमें आप लोगों को 4 अलग अलग जोन्स में इसमें बांटे हुए हैं, और इसके अंदर मैंने पेज नंबर 88 से 91 तक के पूरे नक्शे दिए हुए हैं। और आप वो नक्शे 4 जोन्स के अंदर अगर आप निकाल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने इन सब जगहों को हम लोगों ने बचाया हुआ है, और किस तरीके से ये सारी की सारी जगह इन सब से बाहर निकल करके हम लोगों की आई है, और कैसे ये सारा का सारा एरिया इसके अंदर बच करके आया है, और कैसे 10 लाख के करीब लोग इन जगहों के ऊपर रहते हैं, और लगभग 10 लाख लोगों को हम लोगों ने इससे बचाया था, और यमुना को भी साथ में बचाया था, दोनों के बीच में एक बैलेंस लेकर के आए थे। ये हम लोगों के काम करने का तरीका। एक राइट ऑफ वे ऑफ एचटी लाइंस, इन्होंने नया, ये छठा मेरा प्रश्न है, ये इन्होंने ऐड कर दिया है।